बागवान भाइयों, यहाँ देख रहे हैं आप मेरे पीछे घास से पूरे ही पेड़ डूब चुके हैं, जबकि घास पूरी तरह से क्लीन कल्टीवेशन इसमें ही मल्च होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें पूरा 3 4 4 फीट घास चढ़ी है ऊपर। सबसे मेन कारण जड़ सड़न और रिंग बोरर का घास है। यदि इस तरह का घास बगीचे में होगा तो पूरी तरह से जड़ सड़न और रिंग बोरर आ जाएगा। एक तो पौधे ही बड़े महंगे मिल रहे, और उसी साल हमारे पौधे में जड़ सड़न आ जाता है। एक साल के पौधे में ही जड़ सड़न आ जाता है। जड़ सड़न का मेन कारण यही है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी तरह से घास ही घास। यदि इस तरह का घास चाहिए तो हमें डेयरी फार्म का ही काम करना पड़ेगा। बागवानी को छोड़ के डेयरी फार्म का ही काम करें, और 3 4 जर्सी गाय रखे और उनको ही पाले घास से। यदि हमने बागवानी में जाना है तो हमें घास को क्लीन कल्टीवेशन में ही रखना पड़ेगा, और इसमें ही मल्च करना पड़ेगा, क्योंकि घास तो आना ही आना है। सबसे बड़ी गलती हमारी बागवानों की है, जो हम घास नहीं निकालते हैं। घास के लालच में ना जाए, यदि घास के लालच में जाना है तो बागवानी को छोड़ के डेयरी फार्म का ही काम करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं आप, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जड़ सड़न की है, जड़ सड़न और रिंग बोरर की है। सबसे बड़ी घातक बीमारी जड़ सड़न और रिंग बोरर। 600 700 रुपये का पौधा पड़ता है। यदि हम घास की क्लीन कल्टीवेशन नहीं करते हैं, इसमें मल्च नहीं करते हैं, तो इसका बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अपने ऑर्चर्ड में इस तरह का घास आने ना दे। घास तो आएगा ही आएगा, इसमें मेन गलती हमारी अपनी है बागवानों की। यहाँ देख पा रहे हैं आप, पूरी तरह से ही घास से डूब चुके हैं पेड़, और इसमें ही ना तो क्वालिटी का फ्रूट बन पाता है घास वाले पेड़ों में, और ना ही कलर आता है। कलर और क्वालिटी फ्रूट की तो बात छोड़ो, यदि हमारा पौधा जड़ सड़न से ही क्षतिग्रस्त हो गया तो क्वालिटी फ्रूट कहाँ से लेंगे हम। मेन मुद्दा है, कृपया घास के लालच में बागवान ना जाए, खासकर माताएं और बहनें। यदि घास के लालच में जाना है तो डेयरी फार्म का ही काम चलाना पड़ेगा हमारे को, बागवानी को छोड़ के। बागवानी में जाना होगा तो हमें अपने ऑर्चर्ड को क्लीन कल्टीवेशन रखना पड़ेगा, इस तरह का घास नहीं आने देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इस पौधे में पूरी तरह से जड़ सड़न आ चुका है। पौधे ना चलने का मेन कारण सबसे बड़ा घास। यहाँ देख पा रहे हैं आप, 6 6 फीट घास चढ़ा ऊपर, कहाँ से हमारे पेड़ चलेंगे। कृपया बागवान, घास को क्लीन कल्टीवेशन करते रहे, और इसकी मल्चिंग इसमें ही करें पेड़ में। यहाँ देख रहे हैं आप, इसकी ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो गई है, इसमें पूरी तरह से जड़ सड़न आ गया पूरे ऑर्चर्ड में। देख रहे हैं आप, कारण क्या मेन घास का। हम कई प्रकार की खादें डालते हैं, गोबर डालते हैं, सारा कुछ घास में लग जाता है। यदि हम इसकी मल्चिंग नहीं करेंगे और नहीं निकालेंगे तो इस तरह से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। कृपया बागवान, घास को क्लीन कल्टीवेशन करते रहे और इसमें मल्च करते रहे। यदि घास रखना ही है तो डेयरी फार्म का ही काम चलाना पड़ेगा हमें। दूध दही पनीर अच्छी क्वालिटी का तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो हम अच्छी क्वालिटी के फ्रूट के लिए करें कि हमें अच्छी क्वालिटी का फ्रूट तैयार करना है। यदि नहीं मानते कि भाई हमने हमारे को घास भी चाहिए, घास चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का दूध दही पनीर उपलब्ध करवाएं। यहाँ देख पा रहे आप, पूरी तरह से ये पूरा ऑर्चर्ड घास से डूबा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप, टाइम से ही घास का क्लीन कल्टीवेशन करें, तौलिए को साफ रखें, नहीं तो आपको भी इस तरह से भुगतना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं आप, पूरी तरह से रिंग बोरर, 4 साल का जो पौधा उसमें पूरी तरह से रिंग बना दिया हुआ है।
यहाँ देख पा रहे हैं आप, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और साथ ही साथ घास का जो फायदा है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई घास का होना बहुत ही जरूरी है घास का। मेरा कहना ऐसा है कि भाई घास बागवानी के इसमें बहुत ही घातक है। यहाँ देख रहे हैं आप, पूरी तरह से हीरा रोट आ चुका है इसमें। यहाँ देख पा रहे हैं आप जो रूट्स है, ये भी खतरे से कम नहीं है। इस मेन कारण, पूरा जो कारण है घास का, घास आने का, जो हम घास रखते इस तौलिए में, घास पूरा 4-4 फुट था। और साथ में ही रिंग बोरर पूरी तरह से ही खत्म कर दिया हुआ है। कृपया बागवान तौलिए को क्लीन कल्टीवेशन में रखें। जब तक हम घास को क्लीन कल्टीवेशन में नहीं रखेंगे और इसकी मल्चिंग इसमें नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे कितने ही हाईटेक में प्लांट लगाए तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जड़ सड़न और रिंग बोरर से बचना है तो कृपया बागवानी इस तरह से क्लीन कल्टीवेशन में अपने बगीचे को रखें। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं तो हर हफ्ते घास की क्लीन कल्टीवेशन करते रहे बागवान। यदि घास रखना ही है तो डेयरी फार्म का ही काम चलाना पड़ेगा हमें, हमें गाय ही पालनी होगी। यदि हमने बागवानी में जाना है तो कृपया बागवानी इस तरह से क्लीन कल्टीवेशन में ही रखे तौलियों को, चाहे आप सीडलिंग में काम कर रहे हो या रूटस्टॉक में। घास का कोई फायदा नहीं है, घास का फायदा में मल्चिंग के लिए ही है। यहाँ देख पा रहे हैं आप,